शादी में अशुभ मंगल सावधान। कोरोना के बीच ऐसी शादी तो किसी को नहीं चाहिए। जब शादी का ही बज गया बैंड बाजा बारा, डीएम के एक्शन से शादी में रिएक्शन। दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। कोरोना के बीच डीएम का दिखा सिंघम वाला रूप। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। शादी में ऐसी गदर आपने पहले कभी नहीं देखी हो। अगरतला के इस मैरिज हॉल में शादी की अच्छी खासी पार्टी चल रही थी। बैंड बाजा बारात की संगति बैठी हुई थी, लेकिन इसी बीच सिंघम की तरह पहुंच गए डीएम शैलेश यादव। शादी के समारोह में तय लोगों से ज्यादा भीड़ थी, ऊपर से नाइट कर्फ्यू था, फिर भी पार्टी 10 बजे रात के बाद भी चल रही थी। इसी बीच शैलेश यादव वहां पहुंच गए। शादी में मौजूद बारातियों की भीड़ के साथ पुलिस वालों को देखा तो पूरी तरह भड़क गए। पहले तो बैंड वालों को वहां से भगाया, इसके बाद पुलिस वालों पर आफत टूट पड़ी। मौके पर मौजूद अफसर की फोटो खींची और पूरी क्लास लगा दी। जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, व्हाट इज योर नेम, कितने लोग इधर, काउंट करके बोलो। सर उसी उसी वेट करो, कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट करके बोलो कितने हैं, चलो वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। नहीं हूं मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, व्हाट इज योर नेम, तुम भी जाओगे उसके साथ। डीएम शैलेश यादव तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वर्दीधारी पुलिस वालों को टच किया। उनकी भाषा भी मर्यादा की सीमा को पार करने लगी। यही नहीं, इस धमाचौकड़ी के बीच परिवार वालों ने जब शादी की अनुमति का पर्चा दिखाने की कोशिश की तो डीएम ने कागज को तार तार कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है, इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन ओसी, बिकॉज ही इज 100% अनडाउटेडली हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। कोरोना काल में शादी की बड़ी मुसीबत है। दूल्हे राजा कहां दुल्हन के साथ सात फेरों के सपने देख रहे थे और कहां पहुंच गए थाने। और ये दूसरी तस्वीर जालंधर की है। 25 अप्रैल को शादी थी, दिन वीकली लॉकडाउन का था, इसमें 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की मनाही थी। शादी में इजाजत तो सिर्फ 20 लोगों की थी, लेकिन पहुंच गए 100 से ज्यादा लोग। शादी की दावत उड़ाई जा रही थी, इतने में ही पुलिस को पता चल गया। फिर क्या था, बारातियों की पुलिस ने खबर ली और दूल्हे समेत तमाम लोगों को पुलिस थाने पहुंचा दिया। दूल्हा बड़ी मासूमियत से बोला, उसे तो पता ही नहीं था कहां से आ गए इतने लोग। सर 20 लोग ही हैं, बाकी आसपास के लोग यहाँ आए हुए। गाड़ी आपके अंदर देखिए। सर अभी हम अंदर भी नहीं गए, हमें क्या पता है, मंदिर वाले तो थे, अभी हमने एंटर भी नहीं किया है, पंडाल के आसपास के लोग हैं यहाँ के। कोरोना काल में शादी के लिए बिहार में भी नियम बनाए गए हैं। शादी में 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और समारोह रात 9 बजे के बाद नहीं चल सकता। लेकिन देखिए अररिया के फारबिसगंज के विधायक विद्यासागर के बेटे की शादी में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। शादी में 100 से ज्यादा बाराती थे, ना तो मास्क का ध्यान था और ना ही शादी में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही थी। इन सात फेरों का साक्षी है ये अग्नि। सात फेरों में सात जन्मों के साथ की शपथ है। ये कोरोना काल की शादी है, यहाँ रस्में हैं लेकिन दिखावा नहीं है। दूल्हा पीपीई किट में है तो दुल्हन भी, और तो और शादी कराने वाले पंडित जी भी पीपीई किट पहनकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। कोरोना काल में ये अनोखी शादी हुई है मध्य प्रदेश के रतलाम में। दूल्हे का नाम है आकाश बोरासी और दुल्हन है नेहा। आकाश बोरासी पेशे से इंजीनियर है और पुणे की एक कंपनी में काम करते हैं। 26 अप्रैल को उनकी शादी थी, लेकिन 14 अप्रैल को ही वो कोरोना संक्रमित हो गए। परिवार वाले ये शादी टालना नहीं चाहते थे, लिहाजा प्रशासन ने भी उदारता दिखाते हुए शादी की अनुमति दे दी। शर्त ये थी कि शादी में शामिल हर शख्स पीपी किट पहनेगा। हुआ भी ऐसा ही,
शादी में दोनों पक्षों से सिर्फ 8 लोग मौजूद थे। पीपी किट में दूल्हे दुल्हन की शादी कोरोना काल में नजीर बन गई। और आप जो नजारा देख रहे हैं वो केरल के अल्लापुझा मेडिकल कॉलेज का है, जहां अस्पताल का कोविड वार्ड ही मैरिज हॉल बन गया। यहां सरत मोन नाम के दूल्हे की शादी अभिरामी से हो रही है। ये शादी 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन सरत कोरोना पॉजिटिव हो गए। परिवार वालों ने सोचा कि शादी टालनी नहीं है, फिर क्या था। दुल्हन अस्पताल पहुंची, दूल्हा और दुल्हन ने पीपी किट पहनी और हो गई शादी। अब जरा ये शादी देखिए, यहाँ तो दुल्हन ही घोड़ी पर सवार है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सखियां नाच रही हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के बुहाना पुलिस स्टेशन की है, जहाँ की महिला कांस्टेबल सोनिया की 26 मई को शादी थी। थाने में ही रस्में शुरू हो गई। सोनिया को घोड़ी पर बिठाया गया। पुलिस कर्मियों और परिजनों ने जमकर डांस करते हुए दुल्हन की बिंदौरी निकाली। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार, सोनी आज नहीं तो कल है। ये तो वैसे भी शादी ब्याह का सीजन है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना काल में दूल्हे दुल्हनों को प्रोटोकॉल याद है तो अपने फर्ज से भी वो गाफिल नहीं। यूपी में 26 अप्रैल को पंचायत चुनावों में मतदान था। अमेठी हो या फिर उन्नाव, तमाम जगह दुल्हनें शादी से पहले मतदान करती दिखाई दी। को तो ऐसे कोविड सेंटर आम लोगों के लिए शुरू किए गए, लेकिन बाहर जाकर देख लीजिए, हर दावा दम तोड़ रहा है। अपनों को लेकर लोग सड़कों पर पड़े, इधर उधर ठोकर खा रहे हैं। अगर होगा तो फिर आएगा क्यों यहाँ पर बंदा, वो तो घर पे करके इलाज कर लेगा। अब इसे खाना पूर्ति वाली सोच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब इसे अपनी खाल बचाने की कोशिश नहीं तो और क्या कहेंगे।